गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस सिक्स चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास प्लस वन। अब हमने पहले पढ़ा है, इससे पहले इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, है ना। इक्वेशंस क्या होती है, इक्वालिटी का साइन से जोड़ते हैं हम, है ना। इक्वेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, है ना, और उनके बीच में कौन सा साइन रहता है हमारे पास, इक्वल का, है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको हम कैसे पढ़ते हैं, जो किसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कैसे जुड़ी होंगी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ जुड़ी होंगी, है ना। कुछ स्टेटमेंट्स होंगी ऐसे, वो उन्हीं से क्या बनेगी हमारे पास, अब लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझिए। लेट अस सपोज राम है, राम के पास रुपीज है 200, है ना। ही वेंट फॉर बाय राइस, है ना। अब मान लो वो राइस लेने गया, राइस के पैकेट मिलते हैं 1-1 केजी के, है ना, 1-1 केजी के पैकेट्स ही हैं। लेट अस सपोज पैकेट्स ही मिलते हैं, यहां से उसने राइस लिए, वहां पे पैकेट ही मिलते हैं, 1 केजी है ना। और 1 केजी का प्राइस जो है, लेट अस सपोज 1 केजी का प्राइस क्या है, ₹30 है। रुपीज क्या है, सपोज ₹30 पर केजी है। अब ये मैं अगर आपसे पूछूं कितने पैकेट्स खरीद सकता है, कितने पैकेट्स खरीद सकता है, अब जो उसने पैकेट्स खरीदे, जितने पैकेट्स उसने खरीदे, देखो ये 1 केजी में ही मिलता है, ये पक्का पता है कि 1 केजी का ही पैकेट मिलता है, खुले नहीं मिलते हैं, मतलब पाई आधा किलो ऐसा कुछ नहीं मिलता है ना, 250 ग्राम 300 ग्राम ऐसे कुछ नहीं है, पूरा पैकेट ही मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, अब ₹1 केजी है ना, क्या कॉस्ट कितनी है, ₹30, उसके पास रुपीज कितने हैं, 200। तो अब उसने जो खरीदे चावल, है ना, मान लो उसके टोटल रुपीज कितने लगेंगे, टोटल रुपीज कितने लगे उसके, मान लो जो वो खरीदेगा, है ना, तो उसे कितने प्राइस देना पड़ा, मान लो 30 × मान लो उसने कितने ले लिए, ₹x केजी ले लिए, है ना, ₹x केजी अगर ₹x केजी लिए तो 30 × क्या हो जाएगा, एक्स जो टोटल प्राइस हो जाएगा उसका, तो वो क्या होगा, 30x। अब ये जो 30x है, ये रुपए है ना, ये क्या है, 30x है, मतलब 5 किलो लेता तो 500 × 5 = 50 150 रुपीज देने पड़ते। अब ये जो 30x है, ये अगर इक्वेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 30x लेस देन 200, लेस देन, ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, 30x इज लेस देन इक्वल टू 200, या तो उससे लेस रहेगा या इक्वल टू 200 हो जाएगा। अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 200 आ रहा है ना, ये देखो ना, उसके पास रुपीज कितने हैं, 200, तो ये 30x बनेगा, ये अमाउंट बनेगा, ये कितना बनेगा, ये अमाउंट लेस देन क्या होगा, 200 रहेगा, बस ये क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई, हाँ ये। अब ऐसी मान लो अगर दो की कोई इनइक्वालिटी बनानी है हमने, दूसरी तरफ मान लो क्या था, शाम था, शाम के पास मान लो रुपीज कितने हैं, 300, कितने हैं, 300। ही वॉन्ट टू परचेज पेन्स, सम पेन्स एंड रजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड पेन्स लेना चाहते हैं। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, सपोज ₹10 है, और एक रजिस्टर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज मान लो 30 है ना। अब वो क्या, इसमें क्या इक्वेशन बन सकती है, कैसे इक्वेशन बन सकती है, कितने रजिस्टर लेगा, कितने पेन्स ले सकता है ना। अब मान लो मैंने एक्स पेन्स ले लिया उसने, क्या ले लिया, एक्स पेन्स, एंड रजिस्टर्स कितने ले लिया उसने, 1। तो अब क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी क्या बनेगी, देखो अब उसने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया वो कितना किया, रजिस्टर्स उसने कितने लिए, पेन्स कितने लिए, एक्स लिए, और जो पेन्स की कॉस्ट बनी टोटल वो कितनी बनी, 10x। अब जो रजिस्टर्स के ऊपर कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, प्लस 30y होगी ना, इतने पैसे थे उसके पास। नाउ दिस अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू 300। ये ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 300 ही होएगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये बनती है लीनियर इक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाती है ऐसे। तो मतलब जब भी टू नंबर्स, जब भी क्या होता है, टू रियल नंबर्स, या जैसे हम ये कह सकते हैं टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स, रिलेटेड बाय द सिंबल्स, कौन से सिंबल्स, ये लेस देन, ग्रेटर देन,
लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे, मतलब ये वाले सिंबल्स, ये लेस देन का हो गया, ये ग्रेटर देन का हो गया, ऐसे ये हो गया, ऐसे सिंबल से दो रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना मिलकर रिलेटेड टू दिस सिंबल्स, इन सिंबल्स के साथ रिलेट किए जाते हैं, तो वहां पे बनती है लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ अब इन लीनियर इक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखो, मान लो ये ले लिया मैंने, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब मैंने अगर आपको पूछा कि कितने के जी एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। एक्स अगर जीरो पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। लेस देन इक्वल टू 200 है, नो प्रॉब्लम, एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। देन 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 30 लेस देन इक्वल टू 200 है, यस नो प्रॉब्लम। फिर एक्स इज इक्वल टू क्या है 2, तो 30 इंटू क्या कर देंगे हम 60 लेस देन इक्वल टू 200 है, यस ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी। एक्स इक्वल टू 3 तो ये क्या हो जाएगा 33 90 लेस देन इक्वल टू 200, तो ये पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। फिर 34 120 लेस देन इक्वल टू 200, क्या ये पॉसिबल है, यस इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 4, फिर एक्स इक्वल टू 5, अगर 5 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 150, क्या लेस देन इक्वल टू 200 है, नो प्रॉब्लम। अब एक्स इक्वल टू 6 क्या आएगा 180 लेस देन इक्वल टू 200 है, यस तो एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अगर एक्स इक्वल टू यहां पे क्या ले ले 7, क्या 7 केजी चावल ले सकता है वो, कैसे, ये देखो 210 लेस देन इक्वल टू 200 है, नो इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 200, ना तो 200 इक्वल है ना उससे लेस है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, इट कैन बी ओनली 0 to 6। तो ये था एक इसका नॉर्मल सा तरीका, मतलब ट्रायल एरर मेथड भी कह सकते हैं हम इसे। ये थी लीनियर इनइक्वालिटीज और ये था इसका सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका। आगे हम सीखेंगे कि होती क्या है, कैसे, हाउ यू कैन सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो नोट ऑन द क्वेश्चन। अब वी विल सी नाउ दैट कि हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज, सबको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे कोई लीनियर इक्वालिटी है 5x प्लस 7 सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू है 8 है, अगर हम दोनों इनइक्वालिटीज में इक्वेशन की तरह, जैसे इक्वेशन होती है ना, कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 8 है मान लो, अगर हम इसमें कुछ भी एड कर दें, एड ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इट विल नॉट चेंज है ना, इसमें से दोनों साइड से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस साइन, लीनियर इनइक्वालिटी साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप मान लो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 5x प्लस 7 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 9, तब भी ये बड़े ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अगर माइनस कर देंगे, अगर यहां पे माइनस 9 करते हो तो यहां पे माइनस 9 करते हो, तब भी कोई भी फर्क नहीं आता, ये साइन ऐसे का ऐसे रहता है। इट मे बी एज लाइक दिस, अगर कोई ऐसे है 9x प्लस 7 लेस देन 9 है, तो अगर मैं इसमें 9x प्लस 7 प्लस 8 कर दूं और यहां पे भी 9 प्लस 8 कर दूं, तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद ये तो था कंसेप्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्शन, अगर दोनों साइड से ऐड कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लाइक वी आर डूइंग इन इक्वेशंस। लेकिन अब ध्यान रखो, सपोज यहां पे क्या है 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू क्या है 8 है, इफ यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो बाय माइनस साइन, तो क्या होगा, अगर तो देखो पॉजिटिव के साथ करते हो आप, देन नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया दोनों साइड, तो नो प्रॉब्लम 5x प्लस 7 मान लो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ दोनों साइड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन ऑल्सो यू कैन डू नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस बात पे ध्यान देना हो
इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं तो साइन विल बी चेंज। देखो इधर, अगर यहां पे मान लो क्या है 7x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 9, और मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया बाय -2 या -1 किसी के साथ भी, माइनस के साथ, मान लो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, मान लो यहां जैसे आपने -2 यहां पे लिखा 7x प्लस 8, ये साइन क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा -9 इंटू -2 है ना। अगर माइनस नंबर के साथ आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो ये साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे हो गया। और अगर यहां पे मान लो क्या है 5x प्लस 7 लेस देन 6 है, मान लो अब मैंने माइनस लगाना दोनों तरफ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, मान लो मैंने डिवाइड कर दिया 5x प्लस 7 क्योंकि बात एक ही है -1 तो ये 6 अपॉन क्या होगा -1 तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, है ना। इसका क्या कारण है सुनो, इसका व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। अब सुनो इधर, लेट अस सपोज यहां पे ये क्या है लिख दिया मैंने 7 ग्रेटर देन क्या है 3 है, 7 इज ग्रेटर देन 3 हमें पता है इट इज इनइक्वल, मतलब ये पता है 7 ग्रेटर देन 3 है, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यहां पे -7 कर दूं, यहां पे -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपको नहीं लगता -7 क्या ग्रेटर देन -3 है, नहीं ना। अब ये क्या हो गया उल्टा, क्या होगा ये चेंज हो गया -7 ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा -7 ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा -3। अब ये करेक्ट बैठेगा ना -3 इज ग्रेटर देन -7, देखो ना ये समझ आ रही है, ये क्लियर है ना ये बात। अब जैसे ये भी है मान लो 3 इज ग्रेटर देन -7, ये पॉजिटिव नंबर है -7 से क्या है ग्रेटर है, अगर अमन ना व्हाट इज देयर 3 ग्रेटर देन -7 है, 3 ग्रेटर देन -7 है ना, ये 3 ग्रेटर देन क्या है -7, सो ना व्हाट इज देयर 3 ग्रेटर देन -7 है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब अगर माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे क्या आ गया -3, अब यहां पे क्या हो जाएगा -1 इंटू -7 क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना बेटा, ये देखो ये इधर हो गया, ये साइन क्या हो गया ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 7 ग्रेटर देन क्या होगा -3 होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी अ मतलब चेंज, अगर माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो यही था इसके रूल्स दो चार जो हमें ध्यान में रखने हैं, है ना। तो अब करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं आप इसकी। नाउ एक्सरसाइज है 6.1, वी विल स्टार्ट 6.1 एक्सरसाइज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये, अब वो एक कह रहा है सॉल्व इट, है ना, सॉल्व इट का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू निकालनी, तो यहां पे क्या है 24x लेस देन 100, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हमें वो एक्स नेचुरल नंबर के रूप में ढूंढने हैं विच विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, है ना, विच विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब देखो कैसे, मुझे एक्स की वैल्यू ढूंढनी है 24x लेस देन क्या है 100, अब हम क्या करेंगे डिवाइड बाय क्या कर दो दोनों तरफ 24 कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो क्योंकि एक्स की वैल्यू लेके आनी है मुझे, जहां ऐसा भी कर सकता है 24 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 24 दोनों साइड इसके साथ तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया एक्स लेस देन 100 अपॉन 24, है ना 100 अपॉन 24, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे कैंसिल करके ये क्या आ जाएगा, मान लो ये क्या गया 250, 4 के टेबल पे कट हो जाएगा ना, 4 के टेबल पे 25 और 4 6, मतलब ये क्या आ जाएगा 4.6 आ रहा है ना, मुझे पूरा इससे कोई मतलब नहीं है, तो लोग निकाल भी लोगे तो भी कोई बात नहीं है, और ये क्या आ गया 6 4 24 1 और 4.1 समथिंग ऐसा कुछ आ गया है ना। अब देखो नंबर 9 क्या आ गया, अब मैंने क्या लिखी नंबर 9, एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 4.1 होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 4.1, यहां पे मान लो 0 है 1 2 3, ये क्या है 4, ये 4.1 को शो कर रहा है ना, ये 4.1 है, एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 4.1, ये सारे नंबर ये यहां से लेके पीछे तक सारे सारे नंबर लेस देन 4 है, 4.1
4.1 लेस देन है, सारे माइनस में भी आ गए यहाँ पे -1, -2, -3, लेकिन उसने हमें ये बोल दिया सिर्फ एक्स की वो वैल्यू लेना जो क्या है नेचुरल नंबर है। अब यहां से ना तो जीरो आएगा क्योंकि है तो ये 4. इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसने क्या कह दिया एक्स लेस देन 4.1, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मुझे मैं 4 भी ले सकता हूं, आई कैन टेक 3, आई कैन टेक 2, आई कैन टेक 1, लेकिन 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गया, इसका सोल्यूशन बन गया बेटा जी व्हाट 1, 2, 3 and 4, ये सोल्यूशन बन गया इसका। अब आ जाओ बात इस पे, इसी क्वेश्चन का है, हमने हमने व्हाट वी हैव डन, एक्स लेस देन 4.1 हम देख चुके हैं ना, और एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, सुनो अभी तो ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो गया 4, 3, 2, 1, 0, -1, ये 1 है, -2, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक लिखते हैं यहां पे, माइनस इन्फिनिटी तक। अब उसने कहा 4.1 से कम, तो 4.1 तो मान लो ये है, तो ये क्या हो गया 4, ज्यादा से ज्यादा इससे क्या आएंगे, इससे कम कम वाले सारे नंबर, और होने भी क्या चाहिए, सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए, सिर्फ क्या होने चाहिए इंटीजर्स। अब तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, एक तो 4 हो गया ना, 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, -1, -2 and comma, ऐसे डाल के हम ऐसे डाल देंगे -, -∞, ऐसे लिख दो यहां पे ना, ये लिख दिया हमने, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख देना आपने, ये लिख दिया ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे इंटरवल्स, क्या सर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, देखो इधर 4 ये ले सकते हैं हम, ये वैल्यू भी है, ये क्लोज कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया माइनस इन्फिनिटी ये कर दिया, हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका मतलब तो ये होगा कि इसमें 4 से कम 3.9 भी आएगा, 3.2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2.1 भी आ गया, 2.23 वाले नंबर भी आ जाएंगे अगर ऐसा लिख देते हैं तो, क्योंकि उसने यू की क्या लिखा था एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सिर्फ क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तो इसीलिए हमें सारे नंबर लिखने पड़े 4, 3, 2, 1, 0, -1, क्योंकि इंटीजर क्या होता है ऑल द नेगेटिव नंबर्स, सॉरी ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स, यू कैन से दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो इसलिए हमने ये लिख दिए 4, 3, 2, 1, 0, -1, up to -∞, ऐसा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या आ गया 3 आ गया, 2.1 पॉइंटो वाले नंबर भी आ जाते अगर ऐसा लिख देते, है ना। तो अब ये नेक्स्ट देखो, ये क्या है एक्स इज अ नेचुरल नंबर -12x > 30, सबसे पहले तो यहां पे मैं क्या करूंगा -12 है, -12x है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे -12 के साथ क्या कर दिया 12, क्योंकि हमें क्या चाहिए ओनली एक्स चाहिए इधर वाली साइड, है ना, -12 इधर किया -12, जब मैंने अभी बोला था अगर माइनस के साथ डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा, नाउ साइन विल बी व्हाट लाइक दिस, ठीक है। अब माइनस के साथ माइनस कैंसर, 12 के साथ 12 कैंसर, एक्स लेस देन 30 upon -12, इसको कैंसिल करके आप ले आओ ये क्या आ जाएगा 6, 5, 6, 2, तो ये एक्स क्या आ गया एक्स लेस देन -2.5, एक्स लेस देन -2.5 आ गया है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसने बोला था एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या ऐसा कौन सा नंबर है एक्स जो लेस देन क्या हो -2.5 से क्या हो लेस हो, और हो भी क्या वो नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। भाई साहब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो -2.5 से लेस हो, तो इसका मतलब यहां पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम लिख ही नहीं सकते इसका, तो क्योंकि लेस देन उसने बोला एक्स लेस देन -2.5, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, देखो 2.5 कहां पे आएगा, ऐसे ये 2 आ गया, ये 2.5 आ गया, इससे कम तो बेटा कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं है, ये तो सारे क्या है इंटीजर्स है, तो ये आएगा नहीं। अब उसके बाद उसने बोला इसी सवाल को, हम कहां तक पहुंच चुके हैं एक्स लेस देन -2.5, उसने क्या बोला एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, अब ये नंबर लाइन है, लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिख दिया -2, -3, ये पॉइंट इसको शो कर रहा है 2.5 को, -2.5 को, -2.5 से कम
जितने भी क्या है इंटीजर है, तो वो कौन कौन से इंटीजर हो जाएगा बेटा, ये क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, इससे कम, इधर वाले जितने भी इसकी लेफ्ट साइड में नंबर है वो सारे इससे क्या है कम, और राइट साइड में क्या है इससे ग्रेटर। तो एक्स लेस देन माइनस 2.5 कौन कौन से नंबर हो गए, -3, -2, -4, -5, -∞ तक। तो ये नंबर आप ऐसे लिख देंगे, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया यहां पे। तो इट वाज इट्स सॉल्यूशन। तो ये तो दो सवाल मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे, अभी हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। नाउ थर्ड सम 5x-3 <7। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर है। अब यहां पे क्या करेंगे हम देखो, फिर वैसे सॉल्व करेंगे। देखो 5x जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो -3 + 3 < 7। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया +3 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 5x, ये इधर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा < 7। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हम सीधा कर सकते हैं 3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया हमने, है ना। अब एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा 10/5 that is but 2। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स लेस देन क्या आ गया 2 आ गया, है ना। ध्यान से देखो एक्स लेस देन 2, और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। अब फिर वही नंबर लाइन मान लो, ये क्या है 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, -2, -3, ऐसे नंबर ऑन चलते रहेंगे। एक्स लेस देन 2, लेस देन 2 से इधर सारा इसका क्या है सोल्यूशन है, लेकिन लेकिन उसने साथ में ये बोल दिया एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। तो ये सारे जितने इंटीजर होंगे इससे कम वो सारे आ जाएंगे। तो एक्स लेस देन 2 है, 2 से लेस मतलब 1 आ जाएगा, फिर क्या आ गया 0 आ गया, फिर -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसे कॉमा डाल के -∞ तक। ये नंबर हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना, ये एक एक करके नंबर हमने लिख दिया, अभी कंटिन्यू जा रहा है कहां तक, -∞ तक। अब इसका सेकेंड पार्ट वो ये कह रहा है कि अगर एक्स रियल नंबर होता तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा। देखो यहां तक तो सेम है, एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2। अब ये नंबर लाइन होगी, ये 2 है, ये क्या है 1, ये 0, ये -1, ये -2, ऐसे -∞ तक चला गया, है ना, ऐसे। अब एक्स लेस देन 2 हो और इट कैन बी एनी रियल नंबर। अब मैं बात, हम यहां पे बात करेंगे किसकी, इंटरवल्स की, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, ना। एक्स लेस देन 2, ये 2 हो गया, 2 से लेस कुछ भी हो सकता है, एक्स इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, एनी रैशनल, ऑल द रैशनल और इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कोई भी हो सकता है, ये पॉइंटों में भी हो सकता है, बिना पॉइंट वाला भी हो सकता है, 1.1 भी, 1.2 भी, इरैशनल भी, कुछ भी, है ना। तो उसको हम क्या लिख देते हैं 2 से कम, कहां तक, -∞ तक। इसका मतलब क्या है, देखो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका मतलब ये है 2 से कम और कहां तक -∞। यहां पे इन्फिनिटी आती है, वहां पे कौन सी ब्रैकेट आती है, ओपन ब्रैकेट आती है, और 2 पे 2 एक्स लेस देन 2 है, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगी, ओपन आएगी, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इज एक्सक्लूडेड है। अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू होता तो हम 2 पे ये ब्रैकेट डाल देते, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन अब यहां पे ये नहीं है तो इस पे क्या ब्रैकेट आ जाएगी, ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो 2 से लेके -∞ इसका मतलब क्या, अब यहां पे हमने क्यों नहीं लिखा ऐसा, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूंगा 2 से लेके -∞ तक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा सारे नंबर आएंगे 2, 1.1, 1.2, ये सारा, और वो इंटीजर्स नहीं है, इसीलिए उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था इसमें कि एक्स इज एन इंटीजर, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसमें हमने एक एक नंबर करके लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स इज अ रियल नंबर था तो हम ये करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम उसमें लगभग जो एक्स होगा वहां पे लिखा नहीं होया करेगा, वो इसका मतलब ये होगा कि इट विल बी फॉर एनी रियल नंबर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 3x + 8 ग्रेटर देन 2, ना मैं सीधा करूंगा 3x, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रेटर देन 2, ये 8 उधर क्या हो जाएगा -8, है ना। अब 3x ग्रेटर देन ये क्या आ गया -6, अब एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ग्रेटर देन -6/3, तो दैट इज व्हाट 2, सो एक्स ग्रेटर देन -2, एक्स ग्रेटर देन -2 का मतलब ये हो गया, ये क्या होगा -1, -2, -0, -1, 0, 1, 2, ऐसे नंबर चलते रहेंगे ये सारे। उसने बोला एक्स इज एन इंटीजर, वैसे देखो ये सारा सॉल्यूशन एक्स ग्रेटर देन -2 पे, ये सारा इसका क्या है सॉल्यूशन है इन्फिनिटी तक, लेकिन
हमने लिखना इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं ऐसे लिख दूं यहां पे ग्रेटर देन माइनस टू से इन्फिनिटी तक, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इसमें कोई भी नंबर होगा, इसमें कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर है ना, माइनस टू, माइनस वन पॉइंट वन, वन पॉइंट वन, टू पॉइंट वन, कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन उसने क्या बोला है, एक्स इज अ एन इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होगा, सिर्फ इंटीजर्स लिखेंगे हम, वो कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, ग्रेटर देन माइनस टू से ग्रेटर ये वाले नंबर आएंगे, तो पहला नंबर क्या आएगा, माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, आप लिख सकते हो ऐसे भी सारे नंबर जो चलते रहेंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और ये। अगर आपने नहीं भी लिखना तो भी कोई नहीं है, डॉट डॉट का मतलब ही यही है कि ये नंबर तो आ रहे हैं ना। अब इसी का वो कह रहा है, अगर एक्स इज अ रियल नंबर हो तो ये क्या था, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, तो माइनस टू है ना, माइनस टू ये है माइनस वन, जीरो, वन, टू, ऐसे माइनस टू से ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर इधर आएंगे, तो माइनस टू सबसे छोटा सोल्यूशन क्या होगा, माइनस टू। अब यहां पे ब्रैकेट कौन सी आएगी, ये ब्रैकेट आएगी कौन सी, ओपन आएगी है ना, क्या आएगी, ओपन। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस टू एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, टू इज नॉट इंक्लूडेड, तो माइनस टू से लेके यहां तक क्या आएगी, इन्फिनिटी, और इसके ऊपर भी क्या आएगी, इन्फिनिटी के ऊपर तो हमेशा क्या आनी है, ओपन ब्रैकेट ही आनी है ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं आनी। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास ना। तो नाउ वी विल डू फिफ्थ सम, नाउ फिफ्थ सम बिल्कुल सेम वैसी है बेटा, बिल्कुल आसान है, आपने देखो बिल्कुल जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे करना है ना, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, थ्री प्लस सेवन मैंने इधर ट्रांसपोर्ट किया तो क्या हो गया, माइनस सेवन ग्रेटर देन फाइव एक्स, तो फोर को उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, माइनस फोर एक्स। अब यहाँ थ्री माइनस सेवन कितना हो गया, माइनस फोर, ये आ गया साइन फाइव एक्स माइनस फोर एक्स एक्स, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, एक्स क्या है ग्रेटर देन माइनस फोर। अब नंबर लाइन पे ये देख लिया करो आप, माइनस फोर यहाँ पे है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, ऐसे लाइक दिस, एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस फोर देखो उसके राइट हैंड साइड में सारे उसके नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, ये सारे। अब यहाँ पे कोई वो चक्कर नहीं है कि इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या कुछ है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस फोर आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है, ब्रैकेट का, क्योंकि आगे बहुत यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, आगे हमने ब्रैकेट्स बहुत यूज करनी है, ये इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो आप इंटरवल्स वाली वीडियो देखो, फर्स्ट चैप्टर की, एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस फोर क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूडेड है, अगर इक्वल टू होता तो ब्रैकेट ये होती है ना, तो ब्रैकेट ये होती। अब माइनस फोर टू कहां तक है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे इन्फिनिटी आई वहां पे ये ब्रैकेट आनी है, तो ये इसका क्या बन गया सोल्यूशन है ना, माइनस फोर के, माइनस फोर और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक्टिव वैल्यू डाल दो वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब ये भी बिल्कुल सेम है, सिक्स सेम है, सेवन्थ फिर देखो, सेवन्थ भी ऐसे सारे सेम है, थ्री एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट खोली, टू एक्स माइनस सिक्स, अब थ्री एक्स, एक्स इधर आ गया, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस थ्री, तो ये कितना हो गया, एक्स लेस देन माइनस थ्री। अब ये देखो ध्यान से, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री आ गया है ना, ये नंबर लाइन हुई, मान लो नंबर लाइन पे यहाँ पे माइनस थ्री है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ऐसे नंबर चलेगी। उसने बोला एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री जो है क्या ये इंक्लूडेड है, हाँ यस, इक्वल टू भी हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री से कम सारे नंबर कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे तो ये क्या आ गई, ओपन ब्रैकेट आ गई, और यहां पे क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा ये सेवंथ का। तो ये बहुत आसान है, ये अब टू एक आधा समा और देखते हैं, तो ये होगा इसका आंसर, नोट डाउन द क्वेश्चंस। नाउ इट्स ट्वेल्थ सम, बाकी सारे सेम है, एट्थ नाइन टेंथ इलेवंथ आप खुद करोगे, तो ये भी ऐसे सेम है लेकिन सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, पहले ब्रैकेट बोल दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, थ्री एक्स अपॉन टेन, वन बाय टू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वन बाय टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, वन बाय टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय थ्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो छह थ्री क्या आ जाएगा, टू है ना। अब थ्री एक्स बाय टेन, वो एक्स वाला इधर ले आओ तो माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस टू था इधर, तो ये टू उधर क्या हो गया, माइनस टू हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा बट आई थिंक थर्टी आ गया इसका, तो टेन थ्री जा थ्री, थ्री जा नाइन एक्स माइनस थ्री टेन, टेन एक्स यही आएगा ना, देखो यही आएगा आई थिंक है ना, माइनस टेन एक्स ठीक है।
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, तो नाउ 9x माइनस 10x ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर। अब ध्यान से देखो, अब ये माइनस एक्स है, ये यहां पे माइनस है, इस बात को ध्यान रखना, माइनस के साथ माइनस काट सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इस बात पे ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये सम बताया है। क्या है, मान लो 30 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई माइनस 100 क्या हो गया 20 आ जाएगा। अब कई बच्चे देखो इनइक्वलिटीज में, मतलब इक्वेशन में तो ऐसे हो जाता है माइनस एक्स माइनस सेवन तो कैंसिल हो गया है ना, लेकिन इसमें क्या होता है मैंने बताया था, अब ये माइनस वन हटाना है तो इसका मतलब मैं माइनस वन के साथ क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, जब माइनस वन के साथ डिवाइड कर दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा बेटा जी चेंज हो जाएगा, तो व्हाट विल बिकम हियर, तो ये क्या हो जाएगा अगर माइनस के साथ माइनस अगर मैं कैंसिल करता हूं सीधा, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है अगले स्टेप में एक्स ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 120, इस बात पे ध्यान देना गौर करना बेटा, इस बात पे ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 120 तो इसका मतलब क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 120 आएगा, उससे लेस जितने भी कुछ होगा ना 120 से लेस 120 से लेस कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक आ गया तो है ना, तो और यहां पे क्या आ जाएगी ये ब्रैकेट आ जाएगी और यहां पे ओपन ओपन और क्लोज इक्वल टू है ना इक्वल टू है तो ये कौन सी ब्रैकेट आएगी क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो ये इसका था आंसर 12th सम का। आगे एक कदम और देखते हैं, नाउ विल सी हियर 16th सम। देखो बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, बिल्कुल जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो, इधर तो एलसीएम ली हुआ है माइनस 3 आ गया है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ गया तो 4 5 5 को ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 15x माइनस 10 4 5 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस आ गया, माइनस आ गया तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 4 2 8 5 4 4 2 8 माइनस 8 आ गया, फिर ये माइनस था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या आ गया प्लस 4x है ना ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ना, तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां पे थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 15x प्लस 4 19x तो 15 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 ये आ गया। अब 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 3 57x माइनस 54। अब 40x है यहां पे 40x यहां ऐसा करो माइनस 20 है प्लस 54 इधर आ गए 54 हो गया प्लस का ये साइन ऐसी था 57x ये साइन 40x उधर क्या होगा माइनस का माइनस 40x। अब ये क्या हो जाएगा इसको इसमें से माइनस करो तो क्या हो जाएगा 34 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ये इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 17x तो ये क्या बचा 34 अपॉन 17 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स तो 17 2 है ना तो ये क्या बना आंसर हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ये देखो ना मैंने ऐसे एक्स इधर लिख दिया एक्स लेस देन इक्वल टू टू इक्वल टू था तो इसकी क्या आंसर बना इसका क्या बनेगा 2 भी आ जाएगा इसका आंसर 2 क्लोज कर दिया और एक कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक ये आंसर बन गया इसका। अब 16 तक आपके बिल्कुल सेम सवाल है सब आपने करने हैं अप टू 16 आपको होप समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ आया या नहीं आया बिल्कुल आसान चैप्टर है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है ये चैप्टर ना तो आफ्टर 16 विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।